नहीं रहे तारक मेहता के डॉक्टर हाथी, फैंस में शोक की लहर। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पॉपुलर किरदार डॉक्टर हाथी का निधन हो गया है। इसकी वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जाती है। उनके निधन से फैंस में शोक की लहर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो की पूरी कास्ट से दर्शकों को गहरा लगाव हो गया था। ऐसे में जब डॉक्टर हंसराज हाथी के निधन की खबर आई तो दर्शक बेचैन हो गए। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी का रोल निभाने वाले एक्टर का असली नाम कवि कुमार आजाद था और दर्शक उनकी कॉमेडी को बेहद पसंद करते थे। 9 जुलाई को दोपहर में सभी इस खबर से हैरान रह गए कि कार्डियक अरेस्ट से कवि कुमार आजाद का निधन हो गया। हालांकि कुछ खबरों के मुताबिक कवि काफी समय से बीमार भी चल रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक कवि को आज शो के प्रोड्यूसर और पूरी कास्ट के साथ एक मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते उन्होंने इसमें शामिल ना होने की खबर दी थी। इसके बाद दिन में 11 से 12 बजे के बीच उनको बड़ा हार्ट अटैक आया। वैसे इस जुलाई में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसारण का 10 साल पूरे होने वाला था। हाल ही में शो के 2500 एपिसोड पूरे हुए थे, जिसकी सेलिब्रेशन में कवि भी शामिल हुए थे। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर वकाश का कहना है कि वो एक अच्छे इंसान थे और हमेशा खुश रहते थे। बता दें कि कवि कुमार आजाद ने सर्जरी से अपना करीब 80 किलो वजन कम कराया था। इस महान कलाकार के आत्मा की शांति के लिए बॉलीवुड की पूरी टीम को श्रद्धांजलि देती है।